नमस्कार, जय हिंद मेरे राष्ट्र निर्माता साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस के 92 में। साथियों, शिक्षण कौशल के टॉप 25 प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपको सक्षमता परीक्षा में बिल्कुल सफलता दिलाने के लिए बहुत ही जरूरी है। आइए बात करते हैं इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। एक एक प्रश्नों को देखेंगे और आप लोग से भी ये जानना चाहेंगे कि आपका 25 में कितना सही हुआ। सर, एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि 25 प्रश्न में आपका कितना सही होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है साथियों, सबसे बड़ी बात, आज का जो तारीख है वो आप लोगों के लिए जो ऑफर में चल रहा है एडमिशन, वो आखिरी तारीख है। इस बात को याद रखिएगा, हमने 1 नवंबर तक का ऑफर दिया था, आज 1 नवंबर है और आपका ऑफर समाप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से अगर सक्षमता परीक्षा में आप चाहते हैं 100% सफलता मिले, तो गारंटी के साथ कह रहे हैं कि ये सफलता आपको मिलेगा इसके लिए, और पहली बार एक बार में सफलता मिलेगा इसके लिए, हमारे साथ आपको प्रत्येक दिन का लाइव कक्षा करना होगा। जो हमारे पीडीएफ आपको मिलेंगे सिर्फ उसको पढ़ना होगा, बाकी काम जो है हम लोगों का होगा, बस उतना आपको करना है, आपको 100% सफलताएं मिलेगी। एक से एक बेस्ट ट्रिक्स के माध्यम से गणित का कक्षा, साइंस की कक्षा, हर एक विषय आपका, हिंदी हो या सामान्य अध्ययन हो, सब चल रहा है। आपको करना क्या है, आपको जाना है प्ले स्टोर पर। आपको कहाँ जाना है, प्ले स्टोर पर, वहां से डाउनलोड करना है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है आपका, सक्सेस KEY 9292 डाउनलोड करना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है उसमें। जैसे ही मोबाइल नंबर साथियों डालिएगा, उसके बाद आपका ओटीपी आ जाता है। ओटीपी जैसे आ जाएगा, ओटीपी के बाद आप अपना नाम डालेंगे, और जैसे ही नाम डालेंगे उसके बाद लेट्स गेट स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद क्या डाल देंगे, लेट्स गेट स्टार्ट करेंगे, लेट्स गेट स्टार्ट कर लेंगे। स्क्रीन शॉट ले लीजिए कि क्या क्या करना है, बस इतना ही काम आपको करना है। इतना करने के बाद ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, उस पर पेमेंट हो सके तो उस पर कर देना है, नहीं तो हम 2 नंबर उपलब्ध कराते हैं। वो नंबर है आपका 8278717973 और दूसरा है आपका 8969094103। इन दोनों में से किसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, किसी नंबर पर भी 699 पेमेंट करके आप जो है 1 to 8 के यदि शिक्षक हैं, तो अभी 1 to 8 की कक्षा आरंभ हो चुकी है। 1 to 8 के यदि शिक्षक हैं तो यहाँ पर आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए 699 है, आगे चुकी आपको जो है समय के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। तो निश्चित रूप से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नंबर लिख लीजिए, प्रोसेस देख लिए, और इस तरह से आप जो है अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए साथियों आगे बढ़ जाते हैं। आज का जो हमारा क्लास है इसमें अभी पहले 25 टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न देखेंगे, शिक्षण कौशल के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि 25 में आपका कितना सही हुआ। ये निश्चित रूप से आप लोग एक बार कॉमेंट करेंगे, लास्ट में करिएगा। पहले ए टू जेड प्रश्नों को देखिए, खुद बनाने का प्रयास करिए। आप ऑलरेडी ट्रेंड है डीएलएड बीएड डीपी किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। गतिविधि आधारित शिक्षण का बल क्या है? सर, गतिविधि, अभी आप देख रहे होंगे गतिविधि पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। अब गतिविधि से क्या फायदे मिलते हैं, गतिविधि करने से क्या होता है, बच्चे खेल खेल में चीजों को सीखते हैं। खेल आधारित शिक्षण की भी खूब चर्चा होती है, अभी देखते होंगे आप लोग, खेल आधारित शिक्षण की भी चर्चा होती है, खूब ट्रेनिंग भी होता रहता है हमेशा। होता नहीं, चाहक प्रशिक्षण आया था उसमें ये गतिविधि करवाया गया था हम लोगों को। एक बड़े राजा की बेटी 2 दिन से बीमार पड़ी, 3 संतरी दौरे आए, 4 दवा की लाए, 5 मिनट में घोल बनाया, 6-6 घंटे बाद पिलाया। इस तरह का आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो गतिविधि करने से बच्चों में क्या होता है, भाषाई कुशलता का विकास होता है, लयबद्धता उसके अंदर आता है, 1, 2, 3 जानता है, दवा की पुड़िया समझता है, संतरी के बारे में जानता है, मतलब घोल के बारे में समझता है, 5-5 मिनट 10-10 मिनट समय के बारे में समझता है, बहुत सारी चीजों को समझता है। इसलिए सर गतिविधि जो है बहुत जरूरी होता है। तो इसमें क्या होता है सर, अनुशासित कक्षा पर
उचित समय में गतिविधि को पूरा करने पर, सभी छात्रों के द्वारा सक्रिय भागीदारी पर, गतिविधि पूरा होने के बाद परीक्षा लेने पर। सही आंसर क्या होगा सर? हमें तो लग रहा है निश्चित रूप से आपका राइट आंसर सी होगा। सभी छात्र गतिविधि में सक्रिय भाग लेते हैं। आप खुद एक शिक्षक के रूप में जब प्रशिक्षण लिए होइएगा तो सभी लोग कितना मजा किए होंगे एकदम से। नहीं, एक आया था चना कैसे बोया कैसे बोया, ऐसे था चना कैसे बोया कैसे बोया कैसे बोया रे, तो चना ऐसे बोया ऐसे बोया ऐसे बोया रे। नहीं, हम लोग किए थे, हम भी मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य कर रहे थे उस समय में। तो निश्चित रूप से ये सब जो है आपको सभी छात्रों को सक्रिय भागीदारी उसमें मिलती है, ये बहुत अच्छी बात है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी साथियों का सही हुआ होगा। आ जाइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा कहता है निम्न में से सवाल क्या कहता है, देखिए निम्न में से कौन बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? कौन है जो बच्चे को उसके सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? बहुत अच्छा बात है। देखिए परिवार करता ही करता है, विद्यालय, समुदाय, इनमें से कोई नहीं। देखिए परिवार की जो भूमिकाएं होती है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं परिवार क्या है। तो ये मतलब प्रथम कहिए तो पाठशाला होता है। परिवार में आप बच्चों के सामने जिस तरह का बिहेवियर अपने परिवार के अन्य सदस्यों से करेंगे, बच्चा ठीक उसी तरह से कॉपी पेस्ट करता चला जाता है। ठीक है, क्योंकि अनुकरण से बच्चा सीखता है, और अनुकरण मतलब होता है कि आप जो करेंगे उसी को वो कॉपी करेगा पूरी तरीके से। विद्यालय तो सर है ही, निश्चित रूप से विद्यालय भी है जो समाजीकरण का, समाज के रीति रिवाज मूल्यों की जो है मतलब बच्चों के अंदर जो भरने का काम कौन करता है? विद्यालय ही करता है। आप विद्यालय के अंदर होली के बारे में, दुर्गा पूजा के बारे में, छठ के बारे में, ईद के बारे में, सब के बारे में बताते हैं। नहीं, उसमें आपको सिलेबस के अंदर होता है वो सब चीजें नहीं, तो ये सब चीजें तो निश्चित रूप से क्या है, सामाजिक विकास उससे होता है। और समुदाय तो बिल्कुल है, जिस परिवेश में रहेंगे, कहा जाता है जैसन देश वैसन भेष वाली बात होता है ना, जिस तरह का लोग रहता है, जिस जगह पर रहता है उस तरह का उसका बिहेवियर हो जाता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा सर। सभी के सभी इसको जो है प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पूछा जा रहा है, नहीं इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए आगे बढ़ेंगे, तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, विद्यालय और समाज बात करेंगे। देखिए विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है, ये पूछा जा रहा है। पहला, विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। दूसरा, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। किसके साथ जाना चाहेंगे? ए बी सी डी किसके साथ जाना चाहेंगे जल्दी से बताइएगा। हमें लगता है पहला, जैसे विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है, पहला मुख्य कारक नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा है, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ये बिल्कुल सही है, महत्वपूर्ण कारक है, पहला कारक नहीं है, महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, समझ में आ रहा है बिल्कुल सर, समझ रहे होंगे। आ जाइए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर, आगे बढ़ जाते हैं। देख लिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा ये कहता है कि यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं हाथों से करेगा तो छात्रों में क्या होगा? निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं कि हमारे घरों में जो बच्चे होते हैं वो खुद से कार्य करना सीखे। और अगर बच्चा आपके विद्यालय के अंदर यदि जो बच्चा है वो अपना कार्य स्वयं से यदि कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका एक अलग इफेक्ट होता है उसके अंदर। कहता है शारीरिक शक्ति बढ़ती है, कहता है मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, आत्मनिर्भरता पैदा होता है। किसके साथ जाना चाहेंगे जल्दी से कॉमेंट करिए सर, किसके साथ जाना चाहेंगे? हमें जो लग रहा है निश्चित रूप से आप लोगों को, देखिए चूंकि ये जो होता है पेडागोजी जब हम लोग पढ़ते हैं तो चार ऑप्शंस में कभी कभी लगेगा कि चारों सही है, लेकिन हमें खोजना क्या होता है जो चारों में सबसे बेस्ट है उसको उसका चयन करना होता है। इसमें किसके साथ जाएंगे सर? हमें लगता है कि शारीरिक शक्ति बढ़ती है, ये तो बढ़ती ही बढ़ती है, अगर काम करेंगे मेहनत का काम करेंगे तो शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, स्वयं से करेंगे। मानसिक शक्ति भी बढ़ता है, जब काम करिएगा तो निश्चित रूप से उसके बारे में क्या होगा, नॉलेज होगा, अनुभव होगा, ज्ञान होगा। और जिस चीज के बारे में आपके पास नॉलेज हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो वह एक प्रकार का मतलब कहते हैं ना आपको जो कार्य करते हैं, ठीक है, तो लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग है ना। आपको एनसीएफ के अंदर देखते होंगे, एनसीएफ के अंदर लर्निंग बाय डूइंग की चर्चा की गई है, नहीं लर्निंग बाय डूइंग की चर्चा की गई है। ये लर्निंग बाय डूइंग क्या है? करके सीखना। और जब कोई बच्चा कुछ करके सीखता है तो उसके अंदर उसकी एकदम अस्थाई छवि बनती है, और जब अस्थाई छवि बन जाता है तो जल्दी डिलीट नहीं होता है। नहीं, अगर बच्चों को ताजमहल के बारे में बताया जाए, ठीक है, कि ताजमहल ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, अब बच्चों को उठा करके ले जाए ताजमहल दिखा दिया जाए,
पता नहीं कौन बेस्ट होगा, तो ले जाएंगे जब दिखा देंगे तो स्थायी छवि बन जाएगा, जीवन भर याद रहेगा कि ताजमहल ऐसा था, ये देखे थे वो देखे थे। अभी देखते हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो परिभ्रमण योजना चलाया जाता है, 20,000 रुपये विद्यालय को मिलते हैं और बच्चों को घुमा घुमा करके दिखाया जाता है चीजों को, तो इसमें क्या है, वो क्या है सर, वो वही चीजें तो है कि जब स्वयं देख करके सीखेगा उसको तो वो कहीं ना कहीं या देख करके चीजों को उसका जो छवि बनेगा वो स्थायी छवि बनेगा। कहीं ना कहीं ये होता है, मानसिक शक्ति भी बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना भी जागृत होता है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आप चयन करेंगे तो आत्मनिर्भरता बढ़ता है। जब काम कर लेता है लोग एक बार, तब उस काम के प्रति जो है उसका मतलब ठीक है लगाव बढ़ जाता है और आत्मनिर्भरता बढ़ जाता है, दोबारा उस कार्य को करने से डरता नहीं है, हिचकता नहीं है और काम को कर लेता है। तो राइट आंसर सर हमें लगता है आपको डी के साथ जाना चाहिए। अब बताइए कि आप लोगों का सही हुआ या नहीं हुआ। अगला बताइए चौथा नंबर प्रश्न, सॉरी पांचवा नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, पांचवा नंबर प्रश्न है सर, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है। जन्मजात यानी जन्म से आया हुआ, पहला है निद्रा, खेलना, प्रशंसा, क्रोध, किसके साथ जाना चाहेंगे। देखिए जन्मजात अभिप्रेरक का मतलब क्या होता है सर, मतलब ये होता है कि जन्म से जैसे भूख लगना जन्मजात ही है, प्यास लगना जन्मजात है, ये निद्रा आना जन्मजात है। बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद जस्ट ही नहीं सो जाते हैं कुछ देर के लिए, फिर उजगते हैं फिर सोते हैं, ये जन्मजात है। खेलना, प्रशंसा करना, क्रोध करना, ये सब हमारा परवरिश, हमारे वातावरण, हमारे आस पड़ोस का नतीजा होता है। ठीक है, खेलने की बात करिए, प्रशंसा करने की बात करिए, क्रोध की बात करिए, ये जो है आपको कहाँ होता है, ठीक ना, ये आपको ठीक है याद रखिएगा, ये आपको समाज के अंदर होता है। जन्मजात में भूख लगना, प्यास लगना, ये सब होता है। सर किसी भी प्रकार का कोई अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग एक नंबर और नोट कर सकते हैं, जानकारी हेतु 97088 ठीक है और 41449 पर, इस पर आप लोग मैसेज करिए, इस पर कॉल करिए, ये नंबर हमेशा चालू रहता है, इस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कि क्लास कैसे अटेंड करें। ठीक है, और जो आपको पेमेंट करने की बात है वो जो शुरू में नंबर आपको दिया गया है वहां पे आप लोगों को पेमेंट करना है, इस नंबर पर इन्फॉर्मेशन आपको सभी प्रकार का मिलेगा, क्लास कैसे चलता है, कितने बजे चलता है, क्या प्रोसेस है, या एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत हो रहा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं, वहां पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। ये बातें हैं सर, आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा सवाल कहता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। मतलब समझिए, बहुत मजेदार प्रश्न है सर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो पठन पाठन का कार्यक्रम है इसको शुरू करने से पहले आपको एक कुशल अध्यापक को, आप एक कुशल अध्यापक हैं तो आपको क्या करना चाहिए। पहला छात्रों को दंडित करना चाहिए, दूसरा चुटकुले सुनाने चाहिए, तीसरा अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, चौथा आराम करना चाहिए। क्या करना चाहिए सर, बहुत अच्छा सा प्रश्न है और सही निशाना आप लोग लगाएंगे निश्चित रूप से, जहां पर भी निगेटिव शब्द आपको दंड देना दिखेगा उसको तो कदापि आप आंसर नहीं लगाएंगे। चुटकुले सुनाने की बात चल सकता है, लेकिन चुटकुला और शिक्षण अधिगम, चुटकुला का एक अपना समय होता है और शिक्षण अधिगम शुरू करने से पहले हमने अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी है। पहले होता है ना कि आपको दौड़ने से पहले वार्म अप करना होता है, होता है वार्म अप करना, नहीं वार्म अप करना होता है, तो वार्म अप करिए पहले बच्चों को, पहले मोटिवेट करिए कि आज हमें क्या पढ़ना है, उसके बारे में पहले एकदम बांध बांधिए, उसके बाद शुरू करेंगे तब जाकर के बच्चे उन चीजों को समझ पाएंगे। नहीं अगर मान लीजिए कि कोई हमको गणित पढ़ाने हैं, इंग्लिश पढ़ाने हैं, मान लीजिए अंग्रेजी ही पढ़ाना होता है, एक चैप्टर है आपको अंग्रेजी में द राजाज ड्रीम, राजा का स्वप्न जो है अंग्रेजी में 8th क्लास में है, राजाज ड्रीम आप लोग देखे होंगे, राजा का स्वप्न। अब राजा का जो स्वप्न है उस पर आपको कहानियां बच्चों को सुनानी है इंग्लिश पढ़ करके, तो कहानी को भी उसमें इन्वॉल्व करना बढ़िया से और चीजों को दूर दूर समझाने का प्रयास करना, तो ये मतलब एक होता है ना परिस्थिति ऐसा उत्पन्न करना जिससे बच्चे को रुचि हो, बच्चे की रुचि जागृत हो, और बच्चा का रुचि जागृत होगा तो ऑलरेडी सीखेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, चलिए साथियों अच्छा लग रहा होगा तो निश्चित रूप से शेयर करेंगे, आप लोग शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, एकदम अपने साथी मित्र दोस्त सबको सबके पास भेजिए, क्योंकि आपको 1 तारीख तक का ऑफर दिया गया है, 1 तारीख तक अगर एडमिशन करा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। एनसीटी एग्जाम तो होना ही है सर, इसमें कोई राय नहीं है, आप सीधा समझ रहे हैं। ठीक है, आ जाइए, एनसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए एनसीटी जो है यही आपको जो संस्थान सारे हैं, डीएलएड से संस्थान, बीएड से संस्थान, इन सबको ये मान्यता देने का काम करते हैं।
एनसीटी है क्या? एनसीटी की बात करेंगे अगर, पहला है नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल, टेक्निकल नहीं है सर, टेक्निकल नहीं है, टीचिंग से रिलेटेड है, तो टीचिंग कौन सा है, टीचिंग यानी टीचर से, टेक्निकल वाला नहीं होगा। अब आ जाइए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, ऑफ नहीं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, टीचर के लिए है, फॉर फॉर शिक्षक के लिए है, राइट आंसर ये होगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, राइट आंसर एनसीटीई। आगे बढ़ेंगे सर, बताएंगे अगला ये सवाल, जो सवाल नंबर आठ जो है ये क्या कहता है सर, सवाल नंबर आठ क्या कहता है देखना है। एक शिक्षण योजना तैयार करते समय शिक्षक को किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? शिक्षण योजना, सर कोई भी कार्य करने से पहले हम लोग को योजना बनाना होता है, हमें घर बनानी है तो भी, हमें कहीं जाना है तो भी, हर एक चीज का योजना होता है, तो हमको शिक्षण कार्य यानी पढ़ाने का जो कार्य है इसको करने से पहले हमको योजना बनाना होगा, तो किस तरह बनाएंगे? व्यवहारिक शिक्षण, वास्तविकता, ज्ञानार्जन विशेषता, शिक्षा पश्चात समीक्षा, ये सभी इन चीजों पर ध्यान देकर के हम शिक्षण का जो है वो योजना तैयार करेंगे। सबसे पहला बात कि व्यवहारिक शिक्षण वास्तविकता, यानी जो हम शिक्षण का कार्य कर रहे हैं उसकी जो वास्तविकता है उसका व्यवहार से कितना लेना देना है, अर्थात ये कह सकते हैं कि व्यवहार में वह कितना ज्यादा फिट बैठेगा उसके जीवन जीने में, बच्चा जो जीवन जिएगा, बच्चा का जो जीवन काल होगा भविष्य के अंदर, आगे जो वो जिएगा, आगे जो वो रहेगा, तो उसका जो व्यवहारिक जीवन का क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद ज्ञानार्जन विशेषता, अब जो भी चीजें पढ़ाएंगे तो उससे ज्ञान तो अर्जन हो ही रहा है, तो ज्ञान अर्जन हो रहा है या नहीं इस बात पर भी हमें फोकस करनी है। उसके बाद शिक्षा पश्चात समीक्षा, अब पढ़ाई के बाद उसका उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इन सब पर भी ध्यान देना है, इसमें ऑल पर जाना सही रहेगा, ये सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल बहुत अच्छा सा सवाल है, देखिए मूल्यांकन को, सवाल क्या कहता है, मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन जो है क्या वस्तुनिष्ठ, सवाल कहता है मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। दूसरा है कि एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। चौथा है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। किसके साथ जाना चाहेंगे सर, बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट करके, नौ का सही आंसर क्या होना चाहिए। ये जैसा लग रहा है सर, देखिए तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ये पहला है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ये नहीं है मूल्यांकन, ये नहीं है। अभी का पैटर्न सतत और व्यापक मूल्यांकन चल रहा है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है। तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहता है कि बच्चे जब विद्यालय में 9 बजे आए और 4 बजे तक गए तो दैनिक गतिविधि में क्या परिवर्तन हो रहा है, वही तो उसका मूल्यांकन है। तो यहाँ लिखित से कोई मतलब नहीं है, लिखित मौखिक मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, काहे अलग गतिविधि के रूप में काहे लेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। बिल्कुल सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अंदर ही बच्चों को जो है हर एक यानी मूल्यांकन भी होना चाहिए। तो आगे बढ़ जाते हैं सर, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है हमारा। 10वां नंबर कहता है सह शिक्षा एक प्रणाली है जहाँ विद्यार्थी होते हैं। सह शिक्षा, एक जमाना हुआ करता था लड़के के लिए अलग और लड़की के लिए अलग विद्यालय हुआ करता था, अब सह शिक्षा का भी प्रणाली चल रहा है, अभी भी कहीं कहीं पर लड़के के लिए अलग लड़की के लिए अलग चल रहा है, लेकिन जितने भी अपग्रेडेड स्कूल है, अपग्रेडेड जितने भी स्कूल है अभी देख रहे होंगे अपग्रेडेड, ठीक है, अपग्रेडेड जितने भी स्कूल हुए हैं उन सभी स्कूलों में यदि देखा जाए तो वो आपको क्या है कि लड़के और लड़की दोनों के लिए व्यवस्था किया गया है। यही सह शिक्षा, साथ साथ शिक्षा कही एक तरह से, साथ साथ शिक्षा, सह शिक्षा होता है लड़के और लड़की दोनों के लिए व्यवस्था हो, सह शिक्षा कहलाता है, ठीक है, एकदम गलती नहीं करना ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों पर। आइए अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यही तो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यही ना एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा की भूमिका होनी चाहिए। अच्छा एनसीएफ कहता है, एनसीएफ में देखते होइएगा कि रटंत प्रणाली खत्म होना चाहिए, बच्चों की अधिक से अधिक सहभागिता होनी चाहिए, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ये सब। तो क्या एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा की भूमिका सत्तावादी होना चाहिए, सत्ता के अनुसार नहीं, अधिनायक नायकीय होना चाहिए, अधिनायक तो जानते ही हैं क्या होता है, अधिनायक यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं अधिनायक का तात्पर्य ये हो सकता है जिस तरह से आप कोई कार्य करता है, सुप्रीम बॉस जिसको आप कह सकते हैं, जैसे सिनेमा मूवी वगैरह में होता है ना,
कोई कुछ भी कर ले, लेकिन अंतिम अंतिम में हीरो का ही जय जयकार होता है। कोई बात, अधिनायक अनुमति परक होना चाहिए कि सिर्फ अनुमति मिले तभी कार्य करना चाहिए, सुविधा दाता होना चाहिए। हमने कल के कक्षा में भी सर चर्चा किया था, शिक्षक क्या होते हैं सर, सुगम करता होते हैं। शिक्षक क्या होते हैं, सुगम करता, बच्चों की राह को आसान बनाने का कार्य करते हैं सर, बच्चों के राह को आसान बनाने का कार्य करते हैं, ये सुविधा दाता होते हैं, ये सुगम करता होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं सर, अगला हमारा क्या कहता है, गीजू भाई बधेका। सर सर गीजू भाई बधेका को नहीं पढ़िएगा तो काम नहीं चलने वाला है। ये वो पर्सन है जो बच्चों की शिक्षा पर बहुत ज्यादा इन्होंने कार्य किया था। महात्मा गांधी को, गीजू भाई बधेका को, रविन्द्रनाथ टैगर को, सभ्यता और संस्कृति, ये सब निश्चित रूप से पढ़ना पड़ेगा हमें। और यही सब चीजें जो है अगर आपके एग्जाम में से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो सब बहुत मायने रखता है। और आगे देखिएगा बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी और एक एक चीज आपको क्लास के अंदर करा देंगे, कहीं आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कहां से मिलेगा मटेरियल, कहां से क्या करना है, हर चीज सक्सेस की 92। विश्वास एक बार करिए, दोबारा आपको एकदम 100% रिजल्ट के साथ आप दोबारा खुद कहिएगा नहीं, सक्सेस की 92 के जितने भी टीचर है, सक्सेस की 92 कहती है वही करती है। गीजू भाई बधेका की बात करेंगे तो ये दिवा स्वप्न एक पुस्तक लिखे थे, दिवा स्वप्न, ठीक है, दिवा स्वप्न एक पुस्तक लिखे थे गीजू भाई बधेका, ठीक है। इन्होंने जो है, इनके पुस्तक में बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर जो है काफी बातें की गई है। पाठ्यक्रम में स्मरण पर शक्ति पर अधिक महत्व है। दूसरा, बौद्धिक शिक्षण के साथ साथ शारीरिक शिक्षण होती है इसमें। आध्यात्मिकता के माध्यम से सत्य प्रेम के प्रति निष्ठा और जैसे का विकास, अनावश्यक पुस्तकीय भार तथा विषयों के भार से मत रखना। सही आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से बता दीजिए। सही आंसर बिल्कुल जो गीजू भाई बधेका है ना, इन्होंने कहा था कि आध्यात्मिकता के माध्यम से सत्य होना चाहिए। अध्यात्म भी जीवन में जरूरी है सर, प्रेम के प्रति निष्ठा जैसे गुणों का विकास होना चाहिए। देखिए अध्यात्म क्यों जरूरी है, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं ना आपका मन शांत होता है, मन शांत होता है प्लस मन एकाग्रचित होता है सर, करना चाहिए निश्चित रूप से। आपको जब भी समय मिले, सुबह शाम दोपहर जब समय मिल जाए, 10 मिनट भगवान का आराधना जरूर करना चाहिए। उसका बेनिफिट क्या मिलता है कि आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है निश्चित रूप से। आध्यात्मिकता के माध्यम से सत्य प्रेम और निष्ठा निश्चित रूप से करना चाहिए। तो आप 5-10 मिनट के लिए ही सही सुबह में बैठिए, एकदम आंख बंद करके चिंतन मनन करिए, देखिए बहुत एकदम पूरी तरीके से शून्य अवस्था में चले जाइए तो वहां पर आपको लगेगा कि नहीं हाँ कितना जरूरी है ये। धीरे धीरे 10 दिन करिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो आध्यात्मिकता के साथ ये गीजू भाई बधेका के द्वारा, इनका नाम, मूल नाम क्या था, इनका पूरा नाम अगर आप लोगों को किसी को पता होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनका पूरा नाम गीजू भाई बधेका को का पूरा नाम क्या था। आइए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। प्रभावी शिक्षण कैसा होता है सर, सर आप शिक्षक है तो आपको शिक्षण से संबंधित प्रश्न ही पूछेगा कि प्रभावी शिक्षण कैसा होता है। जरा देखें कि इनको टेस्ट करके कि प्रभावी शिक्षण में ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। पहला है यहाँ पर, जिसका कक्षा पर नियंत्रण होता है, क्या कक्षा पर नियंत्रण करिए, बच्चों को डरा करके नियंत्रण करिए तो ये प्रभावी शिक्षण होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर। दूसरा, जो सीमित अवधि में अधिक जानकारी प्रदान करता है, कम समय में बहुत बहुत उरेल दीजिए, क्या उससे काम चलता है, ये प्रभावी शिक्षण नहीं होगा। जो छात्रों को कैसे सीखना है के लिए प्रेरित कर सके, यही तो है कि कैसे सीखना है, ठीक है, पता ना, हाउ टू लर्न जिसको कहते हैं, कैसे सीखना है ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, कैसे सीखना है ये मायने रखता है आपको। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा कि कैसे सीखना है, अगर बच्चों के अंदर ये बता दिए, ये गुण अगर सिखा दिए तो बच्चा ऑलरेडी जो है कैसे सीखना करके सीखेगा आगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सर, देखिए अगला क्या कहता है। एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे करनी चाहिए, एक शिक्षक जो है उसको अधिक से अधिक अपेक्षा कहां करनी चाहिए, सो बताइए। पहला क्या है कि केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से अपेक्षा करना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। लिंग भेद का आधार बांटना नहीं है, या बहुत तेज कम तेज इसको अलग नहीं करना है, ठीक है। लिंग और कक्षा को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से, बिल्कुल एक अध्यापक बहुत अधिक अपेक्षा किससे रखती है,
मतलब किससे रखते हैं, तो ना लिंग और ना कक्षा को, लिंग और कक्षा को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से, ठीक है, लिंग भेद नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को, लिंग भेद नहीं होना चाहिए। तो एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षा रखनी चाहिए किससे, लिंग भेद जो है वो कक्षा के अंदर नहीं होना चाहिए, विशेष श्रेणी समेत विद्यार्थियों को छोड़कर, ये भी देख रहे हैं, विशेष श्रेणी के विद्यार्थी या काट छांट हो रहा, भिन्न भिन्न विषयों में लड़के लड़कियों को अलग अलग, भिन्न भिन्न विषय में लड़का और लड़की को छांटने की बात हो रही है, अलग अलग करने की, ये भी नहीं होगा, आपका राइट आंसर यही लिंग भेद वाला ही सही हो जाएगा। आइए 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए, किसी विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होता है, ये देखिए बहुत जबरदस्त प्रश्न है। अब आपके मन में इसके लिए कई अलग अलग आंसर आ रहे होंगे, नहीं बताइए, अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा तो शेयर करिए जल्दी जल्दी जल्दी, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, एकदम शेयर करिए सर, सारे बिहार के तमाम 4 लाख शिक्षकों तक पहुंचाइए शेयर करके, सभी लोगों को पढ़ना है, सभी लोगों को एग्जाम देना है, सभी लोगों को एग्जाम में बैठना है, इसलिए पढ़िए जरूर सर। एक किसी विद्यार्थी को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, उत्तरदायित्व की अनुभूति होनी ही चाहिए सर, विद्यार्थी है तो उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये इसका उत्तरदायित्व होना चाहिए, ईमानदारी ये भी होना चाहिए सर, होना चाहिए, उसके बाद सहभागिता ये भी होना चाहिए, बच्चा जो है हर एक गतिविधि में भाग लेगा तभी तो जाकर के वो सीखेगा, और सबसे ज्यादा अगर कुछ होना चाहिए तो आज्ञाकारिता, अगर गौर से देखिए राइट आंसर इसका आज्ञाकारिता होगा, अगर आज्ञाकारी बच्चा है तो उसके अंदर ये सब गुण उपस्थित होगा, अगर आप शिक्षक हैं और आपका जो कोई छात्र तो हर बात को मानता होगा, निश्चित रूप से उसके अंदर ईमानदारी भी दिख रहा होगा, उसके अंदर सहभागिता भी दिख रहा होगा, उसके अंदर उत्तरदायित्व की भावना भी दिख रहा होगा कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए कब समय में क्या करना चाहिए, यानी हर चीज के बारे में उसकी समझ हो जाती है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छे अध्यापक का गुण भी होता है कि अपने पर इन सब चीजों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर पाए। तो चलिए साथियों, हमें लगता है कि राइट आंसर हमें नहीं लगता है डी ही होगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है, एकदम डी मार के आइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना है, डी ही होगा, ठीक है। आइए, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, गजब का प्रश्न है, आप डेली बोर्ड का प्रयोग करते हैं, हम भी प्रयोग कर रहे हैं अभी, तो श्याम पट यानी बोर्ड पर जब हम लिखते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा क्या महत्व रखता है, अच्छी लिखावट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण अच्छी लिखावट, ठीक है, उसके बाद लेखन में अस्पष्टता, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है सर, राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, बड़े अक्षर में लिखे छोटे अक्षर में लिखे ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप जो लिख रहे हैं वो अस्पष्ट लिख रहे हैं या नहीं, अगर स्पष्ट लिख रहे हैं तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत। आ जाइए सर अगला प्रश्न क्या कहता, देखिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सीधा किताब से लेकर के पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसके पीछे हमें भागना है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए सर विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास होना, क्या व्यवसायिक कुशलता का विकास होना चाहिए, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास होना, क्या सिर्फ ये उद्देश्य होना चाहिए, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार होना, इनमें से सभी, हमें लगता है आप लोग निश्चित रूप से सही आंसर इसका कर दिए होंगे कि डी ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कहेगा सर व्यवसायिक कुशलता का क्या मतलब है सर, सर एक शिक्षक के रूप में यदि आप कार्य कर रहे हैं, जैसे एक डॉक्टर होते हैं अपने पेशे के अनुकूल कार्य करते हैं और अपने कार्य में वो दक्ष होते हैं, ठीक, शिक्षक को भी पेशेवर होना चाहिए, क्या शिक्षक पेशेवर होगा, बिल्कुल, अपने कार्य के प्रति अपने पेशे के प्रति उनको समर्पित रहना पड़ता है, आप शिक्षक हैं तो शिक्षण कार्य के प्रति बच्चों के प्रति पूरी तरह से आप समर्पित रहेंगे, अपनी तो आपका जो विषय है उस विषय में आप एक्सपर्ट होने चाहिए, ये सब होना चाहिए, तो ये व्यवसायिक गुण भी, सामाजिक जागरूकता भी, बिल्कुल उसका भी विकास होना चाहिए विद्यार्थी में, आजीवन जीने के लिए विद्यार्थियों के जीवन के लिए उसको व्यवहारिक जीवन के लिए भी उसको तैयार करते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा सर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा डी होगा, एकदम डी आंसर सही हो जाएगा। अरे सर 18 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं एकदम से फटाफट देख लेते हैं, कहता है भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा, मतलब ये कह रहा है, क्या कह रहा है,
कि भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है, भाषा की पाठ्य पुस्तक है उसमें हिंदी तर भाषा, मतलब हिंदी तो होनी चाहिए ठीक है, और हिंदी के अलावा भी कुछ भाषा होना चाहिए, भाषाई विविधता होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाषाई विविधता। आज अंग्रेजी अगर आप जानते हैं तो आप अंग्रेजी के बल पर पूरे दुनिया घूम सकते हैं, तो है अंग्रेजी का पावर, अभी पूरा दुनिया लगभग लगभग घूम सकते हैं नहीं, तो ये अंग्रेजी का पावर है। तो भाषा हिंदी से, भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदी से इतर भी आपको, हिंदी से अलग भी भाषाओं की जगह मिलनी चाहिए। पहला, इसे त्रिभाष सूत्र का पालन किया जा सकता है ना, ये हाँ ये भी सही बात है, त्रिभाष सूत्र का पालन किया जा सकता है। आपको पता होगा त्रिभाष सूत्र में ये कहा गया कि कम से कम तीन भाषा को पढ़ना अनिवार्य है, आप अभी भी पढ़ रहे हैं हिंदी इंग्लिश संस्कृत, हिंदी इंग्लिश उर्दू इस तरह से पढ़ते हैं, तो तीन भाषा निश्चित रूप से पढ़ते हैं, त्रिभाष सूत्र का पालन करना ही चाहिए, तो ये ही राइट आंसर हो जाएगा हिंदी तरह। इससे भाषा के बीच द्वंद नहीं होता है, भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है, ये नहीं होगा, ये सब आपका राइट आंसर ए ही होगा। आ जाइए 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हमारा क्या कहता है 19 नंबर, कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से किस विकल्प पर जोर नहीं देता है। बहुत अच्छा सा सवाल है, देखिए किस विकल्प पर जोर नहीं देता है, बहुत सारे चीज अभी यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं ठीक है, बहुत सारे चीज क्या होगा क्लियर होने वाला है। जोर नहीं देता है एनसीएफ तो जोर नहीं देता है किस पर, पहला अधिगम ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही है, इस पर जोर देता है। अधिगम क्या है, अब पढ़ेंगे तभी तो ज्ञान हासिल होगा ना, पढ़वे नहीं करेंगे तो ज्ञान कहाँ से आएगा सर, नहीं ना आएगा, तो आपका ये राइट आंसर है। आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया को सुगमता बनाता है, अब यहाँ देखिए बिल्कुल आलोचना भी होना चाहिए, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको अच्छा भी सराहना भी करना चाहिए, अलग आलोचना भी होना चाहिए जहां पर आपको लगे कि नहीं भाई यहाँ पर, तो आलोचना सही दिशा में होना चाहिए ठीक है। आलोचना का मतलब ये नहीं कि इतना हो जाए कि उसका बैड इफेक्ट भी पड़ जाए, वो भी नहीं होना चाहिए, तो आलोचना ये भी सही जा रहे हैं। सहयोगात्मक अधिगम सामाजिकता को विकसित करने में, सहयोगात्मक अधिगम मतलब क्या है कि जब आप बच्चों को सहयोग करते हैं, बच्चे एक दूसरे को सहयोग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सामाजिकता को विकसित करता है, सहयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अंतःक्रिया और वार्तालाप द्वारा अधिगम के बजाय विषय वस्तु केंद्रित शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाना, ये गलत है। देखिए विषय वस्तु केंद्रित नहीं होता है कोई भी चीज ठीक है, अंतःक्रिया भी होना चाहिए, क्रियाकलाप भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, केवल विषय वस्तु केंद्रित नहीं होता है। ये राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी सही होगा, इसका आंसर नहीं दिया जाना चाहिए किसमें, तो ये विषय वस्तु केंद्रित नहीं होना चाहिए, आपका आंसर ये सही हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। अब 20वां नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं, क्या कहता है 20 नंबर 20, आप निम्न में से किस संदर्भ में शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं। देखिए किस संदर्भ में शिक्षण कार्य को प्रभावित बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं, जिसमें शिक्षार्थी स्वायत्त और स्वतंत्र हो, जिसमें शिक्षक ज्ञान प्रदाता है, जिसमें परीक्षार्थी का आधिक्य हो, जिसमें अध्यापन सिर्फ निर्देश परक हो। देखिए शब्द कुछ कठिन हो सकते हैं ठीक है, शब्द कुछ कठिन हो सकते हैं, होंगे ही होंगे, निश्चित रूप से आप पेडागोजी पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे शब्द आते भी हैं। इसमें सबसे जो प्रश्न जो कहता है आप निम्न में से किस संदर्भ में शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं, इसमें शिक्षार्थी जो होता है ना वो स्वायत्त होता है और स्वतंत्र होता है ठीक है। शिक्षार्थी क्या होता है, पूरी तरीके से स्वायत्त भी होता है और स्वतंत्र भी होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा ठीक है, आगे बढ़ जाएं, अगला देख लीजिए। अब यहाँ पर एक बात और देख लीजिए, शिक्षक को ज्ञान प्रदाता की बात करते हैं, शिक्षक को ज्ञान प्रदाता नहीं सुगमकर्ता मानते हैं, सुगमकर्ता सहयोगकर्ता कहिए। आइए 21 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन युग्म है जो सुमेलित नहीं है, उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि। आगमन विधि किसको कहते हैं, आगमन विधि का मतलब ही होता है कि पहले उदाहरण दीजिए, उदाहरण उदाहरण के बाद नियम की ओर चलिए, तो ये उदाहरण से नियम की ओर जो बढ़ते हैं ये आगमन विधि होता है, और नियम से उदाहरण की ओर जो बढ़ते हैं वो निगमन विधि हो जाता है, या सूत्र से कहिए उदाहरण की ओर बढ़ते हैं तो वो निगमन होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर आगमन विधि है, ये भी सही बात है, सामान्यकरण पहले करते हैं, छोटे छोटे उदाहरण देते हैं और उसके बाद हम उसके नियम की ओर बढ़ते हैं, यही आगमन विधि है। विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन है, ये नहीं है, विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या है, निगमन विधि है। पहले सूत्र पढ़ा दीजिए, उसके बाद सामान्यकरण उसका करिए, हल करिए उस पर बैठा के, ये होता है आंसर पूर्ण, ये आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ये
यह हो जाएगा सी, मतलब हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन नहीं है, ये गलत है, ये गलत है आपका, ठीक है, ये गलत है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये गलत है, यही नहीं पूछ रहा, ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा, इतना देखिए स्पष्ट कर दे रहे हैं कि ये आंसर कैसे होता है, काट पीट करके सीधा कर दे रहे हैं। अगला बताइए क्या कहता है, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है। छात्र जो है अपनी मातृभाषा, अभी मातृभाषा पर महात्मा गांधी जी जोर दिए थे और आज भी मातृभाषा पर जोर दिया जा रहा है कि बच्चों को मातृभाषा में सिखाना, हमें बच्चों को उस भाषा में सिखाना है जिस भाषा को वो पूर्व से जानता है। सबसे पहले देखेंगे, कहता है मातृभाषा के ज्ञान वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है, घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग किया जाए, घर में भी और विद्यालय में भी मातृभाषा का प्रयोग किया जाए, ये सही बात है, घर में तो होता ही है, विद्यालय में भी होना चाहिए। केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करें, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें, यही तो राइट आंसर हो जाएगा, यही तो आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही जो होगा वो ये हो जाएगा कि अन्य भाषा, कभी कभी देखते हैं ना हिंदी पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश का लेक्चर मार देते हैं, नहीं संस्कृत पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश बीच में बोल देते हैं, हिंदी बोल देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका जो है ना बैड इफेक्ट होता है, कनेक्शन टूट जाता है और कनेक्शन टूटने का नुकसान होता है। तो मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मातृभाषा का प्रयोग करें तो उसी में लगे रहे तो बच्चे ज्यादातर उसको समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं। आइए अब मात्र दो क्वेश्चन बचे हैं, देख लेते हैं फटाफट इसको। कहता है यहाँ पे, आपके विचार से शिक्षा में हो रहे हरास को रोकने के लिए आवश्यक क्या है। देखिए हमारे विचार से अगर देखिएगा शिक्षा में हो रहे हरास, इसको रोकने की अगर बात करिएगा, इसके लिए आवश्यक है विद्यालय में पुलिस बल की व्यवस्था की जाए, ना ये सही नहीं है। विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था की जाए, ये ठीक है। छात्र छात्राओं में गृह कार्य के प्रति अभिभावक की जागरूकता बढ़ानी चाहिए, जागरूकता हो। अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण हो, सही तो यही होगा सर कि अध्यापक के द्वारा नियमित यदि कक्षा शिक्षण होता है तो बच्चों में शिक्षा में हो रहे हरास को रोका जा सकता है। विद्यालय के अंदर आप देखते होंगे बैठ करके सभी शिक्षक एक जगह बैठ करके बातचीत करते हैं, या जो सही ढंग से वर्ग कक्ष का संचालन नहीं करते हैं, या नियमित रूप से जो घंटी बजती है, घंटी बजने के साथ साथ क्लास का संचालन नहीं होता है, वहीं पर बच्चे ज्यादा परेशान करते हैं। शिक्षा में हो रहे हरास को अगर देखें तो अध्यापक द्वारा नियमित कक्षा का शिक्षण यदि होता है तो निश्चित रूप से उसको रोका जा सकता है। आ जाइए अगला देख लेते हैं, भय और दंड को प्रभाव। सवाल कहता है भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, इस कथन से आप क्या समझते हैं। भय दंड, आप गौर किए होंगे जिस बच्चे के माता पिता बच्चे को खूब डराते हैं, खूब कूटते हैं, खूब धमकाते हैं, बच्चा सफल नहीं होता, वो और चिढ़ जाता है, वो और गुस्सेदार हो जाता है, उसके अंदर हमेशा बदला लेने की भावना उत्पन्न हो जाती है और वो धीरे धीरे हठी जिद्दी इंसान हो जाता है। तो भय नहीं करना चाहिए सर, डराना नहीं चाहिए। पहले कहा जाता था भय बिन हो तो न प्रीत, डर के बिना नहीं होता। थोड़ा बहुत होना चाहिए, बस थोड़ा बहुत बस। भय दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, इस कथन से आप सहमत है, पूर्ण सहमत है सर, हम तो पूर्ण सहमत है, आप क्या कहते हैं कॉमेंट में जरूर बताइएगा, 100% इसी के साथ आप आंसर भी देंगे, पूर्ण सहमत ही होना चाहिए, ठीक है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन हमारा है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, कि एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थी को और क्या सिखाना चाहिए। आप ज्ञान तो सिखा ही रहे, पढ़ा ही रहे, इसके अलावा क्या सिखाना चाहेंगे। लक्ष्य के प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग, ये सभी सही तो है, सभी सही होना चाहिए सर। समय का सदुपयोग करना ही जीवन में आदमी को बहुत आगे तक ले जाता है, समय का सर सदुपयोग करना निश्चित रूप से। विपरीत परिस्थिति कभी कभी जीवन में होता है सर, ऊंचाई पर भी आप जा सकते हैं, नीचे भी गिर सकते हैं, पुनः प्रयास करके आप ऊंचाई पर जा सकते हैं, ये होता है। तो विपरीत परिस्थिति हो तो संतुलन नहीं खोना चाहिए, परेशानी अगर है आज तो उसका निराकरण भी होगा ही होगा। उसके बाद लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, दिन रात मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के लक्ष्य के प्रति हम नहीं लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है बच्चा, नहीं ये कंपटीशन भरी दुनिया है सर, और इस कंपटीशन में यदि टिके रहना है तो निश्चित रूप से मेहनत तो करना ही पड़ता है। आ जाइए साथियों एक बार और अंतिम में आपको बता दें कि जितने भी साथी हैं शेयर करिए, एकदम से सभी साथी तक पहुंचाइए, लाइक कर दीजिए सभी साथी, और एक नंबर आप लोग को जो हम लोग उपलब्ध कराते हैं
7871973। सर इस पर व्हाट्सएप करिएगा, कॉल नहीं करिएगा, कॉल जितना ज्यादा आप लोग करते हैं इतना कॉल आता है, हमेशा बिजी दिखाएगा आपको। उसके बाद आप देखिए आपको दूसरा एक नंबर दे देते हैं, जो दूसरा नंबर हमारा क्या है, दूसरा नंबर है आपका दूसरा नंबर हमारा है, देख लीजिए एक सेकेंड दे लीजिए, 97088441449। इस पर सर आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहिए ये कॉल नंबर है, कॉल करिए और यहाँ पे आप व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप ठीक है, व्हाट्सएप करिए यहाँ पे और यहाँ पे कॉल करिए सर, ठीक है। जो भी जानकारी आपको चाहिए सर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो भी जानकारी चाहिए। और फटाफट आज आखिरी मौका है सर, क्लास को ज्वाइन करिए, आपके लिए सबसे बेहद सुनहरा अवसर है कि एकदम अपनी इज्जत प्रतिष्ठा आपको बचानी है, और इज्जत प्रतिष्ठा जो है आपको बचाने के लिए हम शत प्रतिशत आत्मसम्मान की लड़ाई में, आत्मसम्मान की लड़ाई में हम किसी भी शिक्षक का सर नीचे नहीं होने देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत बहुत धन्यवाद।